ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको बता दें कि उधमपुर की ओर एक मिनी बस जा रही थी बरमीन से और मसोरा के पास ये हादसा पेश आया, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये मिनी बस फिसल के एक गहरी खाई में गिरी, जिसके बाद 8 स्टूडेंट्स घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें नजदीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर इलाज के लिए फिलहाल शिफ्ट किया गया है। और एक और सड़क हादसे की खबर आज सुबह सुबह सामने आई है, एक मिनी बस जो फिसलकर एक गहरी खाई में जा गिरी, 8 स्टूडेंट्स घायल हैं, बरमीन से उधमपुर की ओर जा रही थी और मसोरा के पास यह हादसा पेश आया है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपको दिखा देती हूं। खाई में जाके गिरती है, जिसमें 8 लोग अभी तक जो हमारे पास जानकारी मिली है, 8 विद्यार्थी इसमें जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, क्योंकि अभी भी वहां पे जो है रेस्क्यू चल रहा है, क्योंकि आंकड़ा जो घायलों का है वो बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये दूर दराज का इलाका है और काफी बार यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो सड़क हादसे पेश आए हैं, क्योंकि कई लोगों ने यहाँ पे जो है अपनी जान गंवानी पड़ी है। और बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं चलूं कि ये जो मेटाडोर पहली जो मेटाडोर बरवीन से जैसे मसूरा इलाके में पहुंचती है, जो कहीं ना कहीं जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तस्वीरें आपके सामने हैं, कहीं ना कहीं आपको ये भी हम बताया चले कि इसमें ये भी बताया जा रहा है क्योंकि रोड की जो थी वो हालत वो काफी गंभीर थी, क्योंकि ये जो रास्ता था कई दिनों से भी जो है सुर्खियों में था क्योंकि बंद पड़ा था, लेकिन उसी के चलते आज जो है कई लोगों ने यहाँ पे पहले भी, मैं कई सालों की बात करूँ, इसी इलाके मसूरा इलाके में कई लोगों ने अपने जो स्टूडेंट थे उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन आज भी मैं आपको ये बता दूं कि काफी जो इंजर्ड इसमें हुए हैं वो काफी विद्यार्थी हुए हैं, लेकिन उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी जो है पहुंचा दिया गया है, जो उनका उपचार है वहां पे चल रहा है। जी शुक्रिया किशोर ज्वाइन करने के लिए।